नाहन शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर जर्जा में माता पद्मावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग संस्थान की मनमानी देखने को मिल रही है। संस्थान से निकलने वाला सीवरेज का पानी खुलेआम साफ लगते जर्जा खड्ड में छोड़ा जा रहा है, मगर प्रशासन इसको लेकर बेखबर है। जब मीडिया ने मौके का दौरा किया तो पाया कि उस जगह को टीन की चादर से ढका गया था, जहाँ से पानी को बाहर खुले में छोड़ा जा रहा है। नाहन शहर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जर्जा में निजी शिक्षण संस्थान की मनमानी देखने को मिल रही है। संस्थान से निकलने वाला सीवरेज का पानी खुलेआम साथ लगते जर्जा खड्ड में छोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रशासन इससे बेखबर है। मीडिया की टीम ने जब मौके का दौरा किया तो पाया कि उस जगह को टीन की चादर से ढका गया था, जहां से पानी खुले में बाहर छोड़ा जा रहा है। संस्थान व संस्थान के हॉस्टल का सीवरेज प्रतिदिन भारी मात्रा में खड्ड में जाता है, जो सीधे तौर पर पूरे खड्ड के पानी को दूषित कर रहा है। हैरानी इस बात की है कि जिस खड्ड में ये पानी छोड़ा जा रहा है, उसी खड्ड से क्षेत्र के करीब 12 गाँव को पीने के पानी की सप्लाई हो रही है। इस बारे में जब आईपीएच विभाग के एसडीओ आशीष राणा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विभाग मौके का दौरा करेगा और आवश्यकता पड़ी तो इस बारे में पॉल्यूशन महकमे को सूचित किया जाएगा। उसमें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उससे पहले मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता बिना इन्वेस्टिगेट किए। जी हाँ, हम पूरी तरह से डिटेल देखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हेल्प लेंगे इसमें। ये मामला प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसकी राजनीतिक पहुंच भी बताई जा रही है, लिहाजा ऐसे लोगों पर प्रशासनिक अधिकारी भी कार्रवाई करने से गुरेज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, नाहन।